हेलो फूडीज, आतिश फूडी मील्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बॉम्बे डक फ्राई या पोमबिल फ्राई। हम इसे रेगुलर तरीके से कुछ अलग बनाएंगे और हटके बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी टेस्टी। और दो तरीके से इसे फ्राई करने वाले हैं, तो चलिए बनाते हैं रेसिपी। बोमबिल फ्राई या बॉम्बे डक फ्राई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर गिली बोमबिल का यूज़ किया है। इसे मैंने धोकर साफ़ कर लिया है और जाली में मैंने इसका पानी निथरने के लिए रख दिया था। और इसे अब हम टुकड़ों में कट कर लेंगे, बड़े बड़े पीसेस में हम इसे कट करने वाले हैं। बोमबिल फ्राई करने के लिए मैं यहाँ पर दो तरीकों का इस्तेमाल करने वाली हूँ और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होने वाले हैं। एक को हम ब्रेड क्रम यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रेड का यूज़ किया है। ऐसा पाव बच गया था तो इसमें हम डालकर इसे पीस लेंगे और ब्रेड क्रम बना लेते हैं। ब्रेड क्रम हमारा रेडी हो चुका है, अब हम कुछ चीज़ें पीस कर तैयार कर लेते हैं मसाले के लिए। उसी पॉट में मैं यहाँ पर डालूँगी 4 से 5 हरी मिर्च, थोड़ी सी धनिया पत्ती डंठल के साथ, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और 10-12 कलियाँ लहसुन की, और इसे हम पीस लेते हैं। बोमिल को हम मैरिनेट कर लेते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पर डालूँगी स्वादानुसार नमक, 1/2 नींबू का रस, अदरक लहसुन हरी मिर्च का जो हमने पेस्ट बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे। सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें से हम आधी बोमिल को अलग कर लेते हैं और आधे बोमिल के मैरिनेशन में कुछ चीज़ें और ऐड करनी है। इसमें हमें ऐड करना है हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, 2 चम्मच मैं यहाँ पर कॉर्नफ्लावर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो चावल के आटे का यूज़ कर सकते हैं, मगर इससे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी लगेगा और बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा। मैं यहाँ पर 1 चम्मच यहाँ पर मैदा भी डाल रही हूँ और सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कलर के लिए मैं यहाँ पर 1 पिंच फूड कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ, ऑरेंज और रेड कलर। आप चाहें तो डाल सकते हैं, वरना उसे स्किप भी कर सकते हैं। हाथों से मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसे हम रेस्ट करने के लिए रखेंगे 10 मिनट के लिए। पहला जो मैरिनेशन हमने लिया था उसमें अब हम ऐड करेंगे 1 चम्मच छोटा कॉर्नफ्लावर, और मैदा नहीं डाल रही हूँ मैं, सिर्फ कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ, और इसे हम मिक्स कर लेंगे। बोमिल को कोट करने के लिए मैंने यहाँ पर अंडा लिया है, उसमें मैं डालूँगी 1 पिंच के करीब नमक और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। दोनों मैरिनेशन हमारे रेडी हो चुके हैं, तो चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। वाइट मैरिनेशन जो हमने किया था उसी में से एक बोमिल को मैं अंडे में डाल रही हूँ और यहाँ पर हम लगाएंगे इसे ब्रेड क्रम में। इसे कोट कर लेते हैं और इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तेल मैंने यहाँ पर गरम करने के लिए रख दिया था, तेल हमारा गरम हो चुका है और इसे हम डीप फ्राई करने वाले हैं धीरे धीरे करके। हम बोमिल को इसमें ऐड करेंगे और स्टार्टिंग में हम 2 से 4 ही बोमिल इसमें डालने वाले हैं। एक साथ सभी बोमिल नहीं डालनी है, वरना वो एक दूसरे से चिपक जाएगी। फुल स्पीड पर हम इसे फ्राई कर रहे हैं, आप देख सकते हैं डालते से ही ये क्रिस्पी होने लगी है और हमारी जो बोमिल है वो रेडी भी हो चुकी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। बोमिल हमारी फ्राई हो चुकी है, आप देख सकते हैं ये कितनी ज़्यादा मज़ेदार लग रही है, और दोनों ही जो तरीके से हमने फ्राई किया है बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। न्यू ईयर आने वाला है तो आप भी इसे ट्राई कीजिए और अपने न्यू ईयर का मज़ा लीजिए। थैंक यू।